वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो ये वीडियो है ये हम मोटर कॉन्सर्ट वाले भैया के साथ लेके आ चुके हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे ऑडियो कहाँ है, फीचर ही चल रहा है, ऑडियो कहाँ है। तो भाई पाजी के साथ ऑडियो की वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की वीडियो ऑडियो डेडिकेटेड है। अगेन वी आर वर्किंग ऑन न्यू वाली नहीं, ओल्ड वाली वरना के ऊपर काम कर रहे हैं। पर्सनली मेरे को बहुत गाड़ी पसंद है क्योंकि फ्लूटिक डिजाइन था। आज तक सबकी सब होंडा सिटी है, सबके सब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएंगे। बहुत पॉपुलर डिजाइन था फ्लूटिक का और जबरदस्त इशू वाज के सस्पेंशन थोड़ा सा लाइट था टू माय लाइकिंग, लेकिन डिजाइन वाज मतलब एक डिफरेंट लीक थी। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर अगर आप चाहते हो पाजी और मैं गाड़ी के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को दे या अपने व्यूज दे तो आप लोग बता देना, हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। पाजी एक चीज मेरे को ऑडियो के बारे में जो ऑडियंस को बतानी है, लंबी गाड़ियां जी इनके अंदर बेस सही से नहीं आता, यस या नो? देखिए इन कंपैरिजन टू हैचबैक्स बेस कम रहता है, डेफिनेट कम रहता है क्योंकि जो वूफर होता है उसको डुअल एनक्लोजर को पास करके आना पड़ता है। एक तो उसका अपना बॉक्स होता है और जब एक जो हमारा बूट होता है वो एक एनक्लोजर की तरह वर्क करता है, तो डबल पैसेज के बाद वो कैबिन में इनवर्ट होता है, तो कंपैरिजनली कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेस बन ही नहीं सकती, बहुत अच्छी बेस वर्कआउट हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक गाड़ी लेनी पड़ेगी, उसमें बेस का टेस्ट दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरी होंडा सिटी है ही है, लाइव टेस्ट हमने कितनी बार चलाया, बहुत बार किया भाई, बहुत मस्त है, बहुत मजा आता है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, बड़ा लाइट बेस आता है पीछे बैठ के, हम एकदम आपको की नहीं फील होता, पीठ में नहीं टच होगा, हाँ स्मूथली आता है, अच्छा आता है। हाँ लाउडनेस हैचबैक्स में ज्यादा रहेगी हमेशा क्योंकि बेस का ट्रैवल एकदम डायरेक्ट रहता है, तो कंपैरिजन में पूट में थोड़ा सा फर्क रह जाता है। सो भाई आज जो गाड़ी है वो Hyundai Verna है, गाड़ी जो है जो उनके ओनर है उनको काफी इंफॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले मैं आपको उन्हीं से बात करूंगा कि उनकी क्या फीलिंग है, उसके बाद प्रोडक्ट चेक कराएंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग कैसे फिटिंग करते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। व्हाई वी आर एक्सपेंसिव इसका जवाब भी देंगे। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो जिनकी हम गाड़ी करने वाले, एक बार सर चाहूंगा अपना नाम जरूर बताइए। मेरा नाम टीके सिंह है। और सर आपने जैसे हमारी वीडियोस देखी तो कैसे आप लोगों को पता चला कि भाई हाँ ये काम परफेक्ट है और यहीं पर कराना चाहिए, क्या रीजन है? आपकी वीडियो देखने से हमें एक चीज है, आपने काफी डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया है, वो देखने से पता चला कि परफेक्शन और अच्छे काम के लिए हमें यहाँ पर आना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए। बेसिकली क्वालिटी स्टफ जो आप यूज करते हो, क्वालिटी वायर, क्वालिटी क्लिटिंग एंड अदर थिंग जो आपने वीडियो में दिखाया है वो हमें इंस्पायर किया है इस जगह आके काम कराने। बिल्कुल परफेक्ट, सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। मैंने यहाँ पर छोटे भाई भी एक चीज़ बताओ, ऑडियो अपग्रेडेशन जैसे बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं या फिर जो हम ऑडियो पूरे दिन भर सुनते हैं, आपके अकॉर्डिंग ऑडियो कौन सी अच्छी है, जो लाइट और स्मूथ हो या फिर जो खरखर आवाज करे? लाइक खरखर आवाज करने से क्या होता है, वो पूरा साउंड बिगड़ जाता है और बाहर का आवाज भी ऐसा होता है। बस वोकल सही चाहिए, बेस भी अच्छा और वोकल्स एकदम क्लियर आने चाहिए। चलो बहुत सर एक बहुत अच्छी परफेक्शन वाली बात कही है। और एक चीज मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, सर ने सबसे पहली चीज जो बात करी है वो डैम्पिंग के बारे में बात करी है। सर आपको पता है क्या डैम्पिंग की नेसेसिटी है? और सबसे बड़ी बात सर ने बोला था कि मैंने गाड़ी जो है नई प्लान करने का सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस गाड़ी को मैं और अच्छा बना सकता हूँ, इसके बारे में क्या कहोगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गाड़ी से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, इसके परफॉर्मेंस से। नई गाड़ी में जो मैं जाके 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो आई वांट टू इन्वेस्ट सम लैक्स, 1.5 लैक्स एंड यूज दिस व्हीकल टिल द टाइम आई फील कि इट इज गुड परफॉर्मेंस वाइज एंड ऑपरेशन। बहुत परफेक्शन है, अगेन यही चीज होनी चाहिए, अपग्रेडेशन करो लेकिन सोच समझ के करो। पाजी इसके बारे में अपडेट कुछ बता दो, जो गाड़ी में हमने प्लानिंग कर रखी है, क्या चीज गाड़ी में लगाने वाले, कैसे हमने प्लान किया, और जब सर आए थे सर ने कुछ बजट बताया था या कैसे था? नहीं, एक तो इनका जो थॉट प्रोसेस है कि क्योंकि गाड़ी का जब 3 से 4 साल हो जाते हैं तो लोग उसी फ्रेम में रहते हैं कि वेदर टू सेल दैट कार एंड अपग्रेड टू अ बेटर कार या उसी में स्पेंड करके उसको बेटर। तो हम एक नई गाड़ी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका ड्राइविंग कंफर्ट थोड़ा सा बेटर हो जाए, उसके जो फीचर्स हैं थोड़े एनहांस हो जाए, साउंड थोड़ा और बेटर हो जाए। बिल्कुल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, इफ़ यू आर हैप्पी रनिंग विद इट, तो आप उस पर थोड़ा सा स्पेंड करके, रादर देन के हाँ 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हमने परमानेंट बांध दी है, उसमें 1-1.5 लाख रुपये लगा के आप उसको पूरा रिजुविनेट कर सकते हो, तो एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है और अब मार्केट भी उसी डायरेक्शन पे होगी। ठीक है, जो हमने सोच रखा है अपग्रेडेशन का, अगेन मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि गाड़ी में ऑलरेडी JBL का जो है एक सबवूफर रखा गया है, तो इसके साथ में क्या अपग्रेडेशन जमेगी? देखिए एक वही ट्रेडिशनल तरीके से गाड़ी आई थी जिसमें एक चाइनीज एम्प और एक सबवूफर अभी चल रहा था। ठीक है, और जब सर की रिक्वायरमेंट हमने सुनी तो ही वांटेड अ क्लियर साउंड, रादर देन उनके बेटे भी बोल रहे कि हमें लाउड नहीं चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए गाड़ी में। ठीक है, तो उसमें अभी सी बजट जो इनका इनिशियल था, ही वाज नॉट अवेयर कि कितना होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनका बजट कम था और हम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर सही बात है,
कि हाँ एक प्रॉपर वर्क के लिए कितना होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इनिशियल इनसे डिस्कस किया तो ही सेड समवेयर अराउंड 30,000, तो हमने 30,000 के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल अपग्रेड था वो सजेस्ट किया, लेकिन देन ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर आउट ऑफ इट। तो हमने अभी पूरा डिस्कस किया कि अब हम फ्रंट एंड रेयर पे कंपोनेंट लगाएंगे विद अ गुड 4-चैनल एम्प, और जो इनका अभी जो करंट एम्प है वो अभी हम रिटेन करेंगे फॉर सबवूफर। देखिए चाइनीज जो लोकल एम्प होते हैं वो हम सबवूफर पे तो दे सकते हैं, क्योंकि सबवूफर की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी थोड़ी हाई होती है, बिल्कुल। हम स्पीकर्स में नहीं देते क्योंकि स्पीकर्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अभी रिटेन कर लेंगे, लेटर ऑन ही विल एड अ मोनो एम्प। तो अभी ये चीज़ें हम रिटेन कर रहे हैं, और जो जो इक्विपमेंट्स अभी हम डालेंगे वो मैं अभी आपको शोकेस कर दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने स्पेशली ही आस्क फॉर इट कि मुझे डैम्पिंग और साउंड प्रूफिंग, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस अब ऑडियंस तक पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने 8 महीने इसके ऊपर बहुत काम किया है कि ऑडियंस को एटलीस्ट इस चीज के बारे में अवेयर किया जाए। जैसे हम पहले बोलते थे कि भाई डैम्पिंग जो है वो लोग ऐसा सोचते थे कि बस गाड़ी में चिपकाओ और गाड़ी में आवाज नहीं आएगी। सबसे पहले आपने अपनी अप्रिहेंशंस दूर करी, बिल्कुल। एक बार जब आपकी अप्रिहेंशंस दूर होगी तो आप भी बहुत कॉन्फिडेंट हो गए इस चीज को प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल। पहले आप में भी डाउट थे कि ये मेल्ट हो जाती है, ये ऐसे हो जाता है, तो अभी 7-8 महीने से आप भी यूज कर रहे हैं, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सैटिस्फाइड। आई हैव सीन यू इंटरेक्टिंग विद पीपल, जो आप कहते हो कि हाँ यार आई एम वेरी, हम तो मैं खुला बोलता हूँ भाई लगाओ तो लगाओ। हाँ तो वो चीज एक अच्छा इंप्रेशन डालती है, और अब लोग उस चीज को फील करने लग गए हैं कि देखो आप इक्विपमेंट पे कम कर सकते हो लेकिन जो बेसिक्स हैं गाड़ी के, मैं अगेन कहता हूँ बेसिक्स में डैम्पिंग, वायरिंग और इंस्टॉलेशन, ये बेसिक्स होते हैं, ये अच्छे होने बहुत जरूरी है। चलो परफेक्ट है। एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो आप लोगों का डैम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया फ्लोरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारी ऑडियंस है जो ये चीज सोचती है कि डैम्पिंग का फ्लोरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लैरिटी के लिए बताता हूँ। जो आपकी डोर में डैम्पिंग की जाती है और जो आपकी फ्लोर में डैम्पिंग की जाती है उसमें आपको अच्छा खासा वाला डिफरेंस देखने को मिलता है। अगेन फ्लोर डैम्पिंग कराने के बाद एक चीज रहती है जो कि कोई चाहे तो करवा सकता है, जो कि मैंने करवाया था। उसका रीजन ये था कि जो मेरे नीचे वाला पायदान था ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता था कि ये नीचे है, तो मैंने इसमें एक फोम लगवाया था। बाजी उस फोम का क्या नाम होता? देखिए वो STP की एक सीरीज आती थी, फोम सीरीज आती थी, अभी वो अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो CTK या, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग चीज है, तो दोबारा अवेलेबल हो जाए। अब फ्लोर की भी जो डैम्पिंग है ये भी अपग्रेड होने वाली है, तो STP अभी फ्लेक्स यूज कर रहे थे। नॉर्मली जो हम डोर्स पे यूज करते हैं अगर किसी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही तो वही आप फ्लोर पे भी यूज कर सकते हो, जो इंटरनेशनल ट्रेंड है। तो जब हमारे पास फ्लेक्स अवेलेबल नहीं होगी तो फिर हम वही वाली यूज करेंगे, लेकिन टिल द टाइम फ्लेक्स आ रही है तो अभी हम उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार मैं आप लोगों को अपडेट बताना चाहूंगा, क्या पता पाजी ने अपने पेज में कुछ इसके बारे में बता दिया हो। हम लोग जो है एक तरीके से एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, ये स्पेशली मेरी गाड़ी में होने वाला था अपग्रेडेशन, और हम लोग इधर से स्टार्ट करने वाले थे। सो गाड़ी में जो है ब्लैक डैम्पिंग CTK की लगने वाली। हाँ देखिए CTK अगेन इट्स अ वेरी बहुत पॉपुलर ब्रांड होगी इंडिया में, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट शॉर्टेज चल रहा था, तो अभी हम वी आर एक्सपेक्टिंग द न्यू कंसाइनमेंट वेरी सून। तो अभी हम जो भी अपग्रेड्स कर रहे हैं वो CTK ब्लैक प्रीमियम हमने अवेलेबल कराई है, तो उस पर अभी आज का अपग्रेड भी उसी पे ही होगा। तो सर आपको क्या नॉलेज है, मतलब जैसे गोल्ड सीरीज और सिल्वर सीरीज के बारे में थोड़ा बताया कि गोल्ड और सिल्वर तो लगता ही है, ब्लैक के बारे में कुछ नॉलेज है आपको अभी तक? ब्लैक का अभी इन्होंने बताया तो जो मैंने वीडियो में देखा था, ठीक है सर, गोल्ड सिल्वर सीरीज हमने देखा था, ब्लैक सीरीज का लेटेस्ट सी कैसा परफॉर्मेंस। तो सर परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ ऐसा है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी गाड़ी में लगा दिया, क्योंकि वी वर टेस्टिंग इट, और स्पेशली मेरी गाड़ी में वो चीज टेस्ट होने वाली थी, लेकिन हमारे अभी इक्विपमेंट्स है जो कि बहुत जल्दी 15 दिन में वो भी चीज आने वाली है, क्योंकि वो स्पेशली मैंने अपनी गाड़ी के लिए भैया से बोल के ऑर्डर करवाया। सो ब्लैक जो है बेसिकली जैसे सिल्वर का एक लेवल अप था, तो ब्लैक जो है वो एक लेवल और अप हो चुका है, तो आपको डिफरेंस फील होगा, वो आप जरूर भैया के साथ शेयर करना जिससे भैया मेरे को बता सके। ठीक है, सो इसी के साथ में गाइस आप लोगों को थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। आप लोगों को जो चीज देखने को मिलने वाली जब आपका डोर ओपन होता है, यूजली आप लोगों को ये वाला अपना थोड़ा सा इसमें देख रहे हो ये चीज लगी होती है, तो ये हम लोग जो है पूरे सही से नाइसली इसको क्लीन किया जाता है, इसको हटा देते हैं, इसके ऊपर डैम्पिंग की जाती है। अगेन डैम्पिंग शीट इसके ऊपर थोपी नहीं जाती है, जहां जहां पर सबसे ज्यादा चांस है कि हाँ यहाँ से भरभराहट चीज वाली फील हो सकती है वहां पर उसको लगाया जाता है। अगेन अगर आप लोग फ्लोरिंग के बारे में बात करेंगे, लोग सोचते हैं कि भाई फ्लोरिंग में कराने का क्या फायदा है, फ्लोरिंग का अगेन जो आप लोग गाड़ी तेज चलाते हो अराउंड 120 जब आप लोग टच करते हो तो आपको हल्की सी रोड प्रेजेंस वाली फील आती है कि हाँ गाड़ी का टायर घूम रहा है, और अंदर हल्की हल्की आवाज आनी स्टार्ट होती है जो कि डैम्पिंग से 60-80% तक कम हो जाता है। तो ये एक इनिशियल चीज है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगेन क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बाद करते हैं और गाड़ी के बारे में बात। गाइस तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है इनिशियल प्रोसेस जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ हमेशा, आप लोगों का फ्लोरिंग का पूरा जो डैम्पिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। पाजी क्या मटेरियल होता है जरा थोड़ा बता दीजिए।
देखिए फ्लोरिंग पे अगेन डैम्पिंग मटेरियल ही यूज कर सकते हैं, जैसे हम सीटी के सिल्वर लगाते थे, गोल्ड ब्लैक, हम वो वाली भी फ्लोर पे यूज कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक मॉडल रिलीज किया था एसटीपी ने फ्लेक्स सीरीज कह के, क्योंकि थोड़ा सा रीजनेबल भी था और अच्छा भी था जो फ्लोर के लिए इफेक्टिव था, तो हमने ये यूज किया है। इन फ्यूचर हम इसको जो नॉर्मल सीटी के की डैम्पिंग है वो भी हम फ्लोर में यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक तरीका होता है जिससे हम सारी इसमें, क्योंकि काफी एक जो मेटल की जो रेजोनेंट साउंड होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसमें जो वॉल्स वगैरह होते हैं वो भी सारे कवर अप हो जाते हैं, तो काफी रोड नॉइस का फर्क मेजर आता है, मेजर मतलब मेजर फील होता है। हाँ चलो भाई परफेक्शन है, ये चीज आप लोगों को बताना जरूरी था। अगेन अगर कोई कुछ लोग कहे कि भाई करा सकते हैं डैम्पिंग, नहीं करा सकते, नॉर्मल डैम्पिंग भी करा सकते हो, पाजी की तरफ से आप लोगों को कमिटमेंट आ चुका है। Absolutely. तो गाइज यहाँ पर आप लोगों की जो ब्लैक वाली प्रीमियम डैम्पिंग जो सीटीके की नई वाली आप लोगों के लिए हम लोगों ने अवेलेबल कराई है वो यहाँ पर लगा दी गई है। अगेन कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें डैम्पिंग को काट काट के कुछ पॉइंट पे लगाना चाहिए या डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्या कहोगे पाजी इसके बारे में? फिर इसका सबसे जो पहले स्टार्टिंग वही मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है, जिससे उसका स्प्रेड प्रॉपरली हो जाए, और अंदर के जो पार्ट है उसको आपको कट पीस में लगाना चाहिए, जो बाहर का पार्ट है उसको आपको पूरा फ्रेम वाइज लगा लेना चाहिए कवर करके पूरा। चलो एक चीज और पाजी, जो हम लोग लगाने वाले गाड़ी में वो आई गेस सामान आ चुका है, तो एक बार सामान हम वैसे यूजली अंदर चेक कराते हैं लेकिन एक बार ही चेक कराते हैं, तो पहले सर ने जो पसंद किया था वो कौन सा फ्लक्स किया था पसंद? हाँ, तो पहले हमने पे जीरो इन किया था, लेकिन जब डिस्कशन हुई आपसे भी डिस्कशन हुई, आपने भी अपने दोनों गाड़ी, मैंने तो अपना बता दिया, डिफरेंस समझा दिया था, उससे फिर ही मेड आउट के हाँ यार जो 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है कंपोनेंट्स में आई विल गो विद दैट। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही कि मैं बाद में भी अपग्रेड कराऊंगा, उससे अच्छा भी करवा लो। देखिए अगर आप फ्यूचर सोच के चले, क्योंकि देखिए अगेन ऑडियो वंस यू स्टार्ट लिसनिंग आप उसके साथ अटैच होने लग जाते हो, बिल्कुल, फिर वही है कि एक ही बारी में थोड़े बेटर, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि स्पीकर्स यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ गुड वन, एम्पलीफायर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। चलो एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, तो एवेटार का जो है हम लोग इसमें एम्पलीफायर लगाने वाले, और इसी के साथ में पाजी एक चीज और बताओ, हाईलो कन्वर्टर के ऊपर भी बहुत चल रहे हैं आजकल कि चाइनीज हाईलो कन्वर्टर लगाओ या JBL के लगा लो, कौन से बढ़िया है? देखिए JBL और Kenwood सबसे ज्यादा यूज है, और JBL और Kenwood का ऑफिशियल कन्वर्टर कभी आया ही नहीं, कॉपी आते हैं ना वो, सारे फेक आते हैं, तो जो ऑफिशियल ब्रांड्स हैं जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, DLS इज एन ऑफिशियल ब्रांड, स्कॉशे का आता है, स्टिंगर का आता है, रॉकफोर्ड का आता है, तो इन चारों में से कोई भी ब्रांड आपको अवेलेबल है जो ऑल इंडिया, तो आप उसमें से आप लगवा सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंट के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे रखी है, CE165 जो कि हमारी I20 में लगाया गया था, अगर आप लोग I20 मोटर कॉन्सेप्ट मुसाफिर लिखते हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बार बार एक एक चीज बताएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो यहाँ पर जो है फिटिंग का पूरा काम स्टार्ट जो है वो चल रहा है इनिशियल स्टेज से एंड तक। पाजी टाइमिंग का थोड़ा लोग पूछ रहे थे कि अगर हम लोग चार कंपोनेंट विद एम्प लगाते हैं क्या टाइमिंग लगता है इसका? देखिए जो टाइमिंग है वो अराउंड 3 hours लेके चलिए गया विद डैम्पिंग, 3 hours का करीब प्रोसेस होता है ये, 3 घंटे लग जाते हैं। और अगर मैं इस स्टेज को हटा के आपसे ये पूछूं कि केवल हम लोगों ने गाड़ी में डैम्पिंग करानी है चारों डोरों में और फ्लोरिंग में तो कितना टाइम लग जाता है? वो भी अराउंड 1 to 2 hours का प्रोसेस होता है। चलो भाई एक चीज और बताया था, बहुत डेडिकेटेड बंदे जो काम करने वाले हैं, ये मैंने इनिशियल स्टेज में जब अपना काम कराया था तब ये चीज ऑब्जर्व करी थी, और भाई जैसे आप लोगों को काम होते दिखेगा दिखा देंगे। तो भाई इसके साथ एम्प कौन सा हम लोग चला रहे हैं? वही एवेटार वाला, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही डिसेंट एम्प है, रीजनेबली प्राइस है तो बहुत ही अच्छा एम्प है, बेटर देन पायनियर एंड सोनी, एनी डे बेटर देन पायनियर सोनी। एवेटार इज अ रशियन ब्रांड, इसके काफ़ी सीरीज अब आने वाली है, मैं कुछ एक नई इनकी लॉन्चेज हैं जो इनकी डेकबॉन्स ब्रांड में आ रही है जो कि पावर्ड कन्वर्टर्स हैं, अभी हमने हाई लो कन्वर्टर देखे हैं, देखिए ये भी बहुत बेसिक वर्जन होते हैं, तो इसमें और प्रोसेसर में एक गैप होता था, तो उसको फिल करने के लिए अभी हम डेकबॉन्स में हमने पावर्ड कन्वर्टर्स मंगाया, उसमें प्रो सीरीज है, तो वो दोनों चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलो भाई परफेक्ट है, तो पाजी ने एक बड़ी जबरदस्त चीज आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाल के रखी हुई है जो कि पता नहीं भाई देखो कितनी ऑडियंस के साथ ये शेयर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो है इसको पर्सनली जो है इसको प्रमोट हम लोग कर रहे हैं, तो पाजी क्या चीज है? देखिए अगेन इशू हमेशा सबके अपग्रेड्स के साथ यही रहता है कि एक तो जो स्टॉक स्टीरियो होते हैं और जो दूसरा ट्रेंड है कि जो एंड्रॉइड स्टीरियोज होते हैं, ठीक है, तो दोनों का मेजर इशू होता है कि साउंड वाइज इनकी जो आउटपुट है वो बहुत ही वीक होती है, बिल्कुल होती जब तक ये साउंड एम्पलीफायर तक भी जाती है तो सिग्नल वीक ही रहता है, ठीक है। अब हम नॉर्मल कन्वर्टर्स यूज करते हैं जो कि लोग DSP नहीं यूज कर सकते, तो ये दो ऑप्शन अभी हमारे पास आई है, वी हैव नॉट टेस्टेड इट येट, लेकिन डेफबॉन्स इज अ रशियन ब्रांड, एवेटार का ही सिस्टर ब्रांड है, तो ये हो सकता है भाजी मेरी वाली स्विफ्ट में यूज करना पड़े, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि क्या बोलते हैं एंड्रॉइड से उतना आउटपुट नहीं आ पाता है। हाँ, तो देखिए वही है कि अब जब आपको एक गाड़ी में फीचर रिच चाहिए ही था
कि मेरे को एंड्रॉयड लगाना है, तो आई एम नॉट अगेंस्ट एंड्रॉयड कभी भी, लेकिन वो होता है कि जब एक परफेक्शन जो कि आपको आदत है पाइनियर और सोनी सुनने की, तो उसके लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। तो आउटपुट का फर्क कितना आएगा उसमें? देखिए आउटपुट अगेन नहीं, जो हमारे स्टॉक का जो आउटपुट जो कम होता है, जो वोल्टेज कम होती है, वो वोल्टेज एक तो ड्रॉप कम हो जाएगा, पावर अच्छी जाएगी, तो वो सारी चीजें हमने, क्योंकि ये पावर्ड कन्वर्टर्स हैं। बिल्कुल। और दूसरी सबसे अच्छी जो चीज इसमें है, जो कि मैं आपको इसके में आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें हमारा जो फ्रंट रेयर और सबवूफर है वो सेपरेट चैनल आउट हो जाएगा। ठीक है। जितने भी कन्वर्टर होते हैं उसमें 4 चैनल क्रिएट होते हैं, तो क्योंकि हमने एम्प तो 2 ही लगाने हैं आपकी गाड़ी में। ठीक है। तो उसमें हमारा पूरा 6 चैनल आउट निकल जाएगा इसमें। चलो भाई परफेक्ट है, ये चीज आप लोगों को पाजी ने गोवर बताया। अपडेट देनी है कि वेदर दिस M6C प्रो इज बेटर देन पाइनियर और नॉट, ये एक मैंने चीज टेस्ट करनी है, क्योंकि ये दोनों सेम प्राइस रेंज में लैंड करेंगे। तो मतलब वो अपना आ रहा था कितने का आ रहा है बोला? वो भी अराउंड 12,000 की रेंज का आता है। ठीक है। पाइनियर का साउंड प्रोसेसर है 1000 नंबर। हाँ, और ये भी लगभग उसी प्राइस रेंज में है। तो और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए यार मार्केट में। देखो हमारा तो काम ही है, पीपल एक्सपेक्ट अस टू कम अप विद बेटर थिंग्स जो उनके सिस्टम पे वैल्यू ऐड कर सके। बिल्कुल। और हमें अगर लगेगा कि ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड इट इन फ्यूचर। चलो भाई परफेक्शन है, आई गेस कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल चुका है। यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन चीज है, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, एक अच्छा एम्पलीफायर आपकी गाड़ी में जरूर होना चाहिए। एक एम्पलीफायर जो सर यूज कर रहे हैं वो V12 है, जो कि मेरे को ओरिजिनल नहीं लगा था, क्योंकि मैंने सर के साथ शेयर किया, इट्स अ 2 चैनल। और ये जो लगाया गया है, ये हमने स्पेशली हमारे जितने कॉम्पोनेंट है उसको रन करने के लिए लगाया, जो कि अवतार का है। ठीक है। तो इसकी वायरिंग जो स्पेशलिटी है, सारी की सारी आपकी अंडरग्राउंड वायरिंग, इट लुक्स वेरी गुड। और 360.4 वाला जो है ये वेरियंट है, और देख लो आप लोग वायर जितनी हाइट करके हो सकती है उतना हाइट कर दिया गया है। लेकिन आप लोग अगर बात करोगे प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, तो देख लो भाई एक वाटर गार्ड जो होता है वो लगाया जाता है साथ में। ठीक है। और वाटर गार्ड का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि बाई चांस कभी कोई पानी वानी आया तो वो अंदर ना जा सके, और इसके साथ में इसकी प्लेसमेंट भी परफेक्ट तरीके से हो जाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को आज की वीडियो में जो बताऊंगा, मैं आप लोगों को विदाउट जो सबवूफर है उसका रिस्पॉन्स भी सुनाऊंगा, एंड विद सबवूफर का भी रिस्पॉन्स आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। अपनी गाड़ी में कभी भी कॉम्पोनेंट लगवाते हैं और आप लोगों को ट्विटर की प्लेसमेंट के बारे में जानना है, तो एक तो होता है जो आप लोगों को लोकेशन एलोकेटेड होती है, जो कि नॉर्मली आप लोग लगवा सकते हो, जो हम लोग करवा रहे हो पिलर्स में करा रहे हैं। और यूजली पिलर्स में हम लोग क्यों कराते हैं, एक बार हमारे जरा ट्विटर चेक कराओ भैया। ठीक है। तो अगर इसको आप लोग देखोगे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, इसमें एडजस्टमेंट इजी होती है। एंड अगेन अगर कोई चाहता है कि भाई जो स्टेजिंग है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं फ्रंट और रियर स्टेजिंग, तो वो इससे परफेक्ट तरीके से हो जाती है, और ये मूवेबल होता है सबसे बड़ी बात। ठीक है। ये एडजस्ट हो जाएगा, बट दिखाना एडजस्ट करके इसको, कितना भी एडजस्ट कर सकते हो उसको आप। ठीक है। पूरे परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हो जाता है, और इसका जो प्लेसमेंट है वो हमेशा आप लोग अपने पिलर में कराओ। प्लेसमेंट है वो अगेन आप लोग अगर चाहो तो बैठ के खुद अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट जो परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। ठीक है। कर दो भैया आवाज बंद कर दो, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। तो प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगेन अगर आप उस साइड में भी देखोगे तो आप लोगों को प्लेसमेंट जो है वो फाइनल होती हुई दिख जाएगी। अगेन एक ऑप्शन जो आप लोगों को मिलता है, आप लोग चाहो तो अपने डोर ट्रिम्स के अंदर भी ये चीज़ करवा सकते हो, जो कि आप लोगों को पीछे की साइड में हुआ हुआ दिखेगा। ठीक है। पीछे की साइड में जब अभी हमारा पूरा डोर ट्रिम लग जाएगा तब मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ट्विटर की प्लेसमेंट की है। भाई पीछे वाला लग गया उसमें ट्विटर, जो पीछे वाला दिखाओ एक बार, उसकी प्लेसमेंट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। सो भाई इसमें एक चीज़ जरा ऑडियंस को थोड़ा सा और क्लियरली बता दो। ठीक है। कि जैसे हमने आगे जो है वो जो इसकी OEM एक कह सकते हो जहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट होती है, वहाँ ना करके हम लोगों ने उसको पिलर में एडजस्ट किया हुआ, जो कि आप लोग देख रहे हो। पीछे अगर हम इसको इधर नीचे की तरफ में करते हैं तो क्या कोई आवाज के आउटपुट में फर्क है? बिल्कुल फर्क आता है। इसमें इसकी दो तरीके की पोजीशन होती है, नॉर्मली लोग इसकी यहाँ पे पोजीशन करते हैं। ठीक है। तो हम इस पोजीशन को अवॉइड इसके लिए करते हैं क्योंकि ये ड्राइवर के कान के बहुत क्लोज आ जाती है। ठीक है। नॉर्मली फिर ये डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि आपको फिर बाकी साउंड जो स्टेजिंग प्रॉपर आनी चाहिए वो नहीं आपको आती, आपको यहीं से ट्रेबल आपको कानों में फील होती है। तो इसको थोड़ा हम डाउनवर्ड फायरिंग करते हैं, जिसका भी मैं सजेस्ट करूंगा पीछे थोड़ा सा ट्विटर हमेशा आप डाउन प्लेस करो ताकि आपकी वोकल क्लैरिटी भी रहो। हाँ, उतनी स्टेजिंग नहीं बनेगी जितनी फ्रंट की, लेकिन जिस तरीके से इसको कवर अप साउंड देनी है वो प्रॉपरली यहीं से देगा। चलो भाई ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक भाई थे जिन्होंने इधर आके हमसे क्वेश्चन पूछा था, वो भाई इधर है। ठीक है। तो भाई आपने अभी पूरी गाड़ी में आप डैम्पिंग करा रहे हो। ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन था जो कि आपने पाजी से पूछा था, एक बार क्वेश्चन बताओ कि क्या डैम्पिंग से माइलेज कम होती है कि नहीं? माइलेज कम होती है कि नहीं होती है, तो ये आपने क्यों सोच के बोला पहले तो बताओ? क्योंकि वेट बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि कार्स को आज के टाइम में माइलेज ज़्यादा देनी होती है, वो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, तो उसकी वजह से वो लोग वेट कम करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये भी है कि जो
जो साइड के दरवाजे सब में कम वेट और कम बहुत पतली शीट्स का वो बनाया, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मारुति स्विफ्ट है नई वाली। जी जी, जी। है ना, तो भाजी इसका क्या जवाब है? ये भी मिथ, एक मिथ ब्रेकर है। नहीं, इनका जो क्वेश्चन था वो 100% करेक्ट है, क्योंकि डैम्पिंग वेट ऐड कर रही है, डेफिनेट वेट ऐड कर रही है। और आजकल जिस तरीके से चाइनीज डैम्पिंग हो रही है, मैं और भी कुछ, मैं अभी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें कोई कह रहा था कि हम जी हमारी डैम्पिंग की शीट 2 किलो की है, 2.25 किलो की है, 2.5 mm की, 3 mm की है, तो उसमें सिर्फ बुटाइल का वेट ऐड हो रहा है जो कि यूजलेस है। डैम्पिंग बहुत हैवी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आज हम प्रीमियम डैम्पिंग करी है जो, इसमें इसका भी एक बेनिफिट ये है कि ये इसका वेट कम होते हुए भी जो इसका डैम्पिंग स्प्रेड और फैक्टर है वो हायर है, तो ये जो रेजोनेंस और जो वाइब्रेशन है उसको कर्टेल करेगी और गाड़ी का वेट भी कम ऐड करेगी। तो भाई आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया जवाब। चलो ठीक है, आप अपनी कौन सी गाड़ी में फुल डैम्पिंग करा रहे हो? ग्रैंड आइटन। ग्रैंड आइटन में फुल डैम्पिंग हो रही है, और क्या रीजन है फुल डैम्पिंग का भाई? आई थिंक वही वाइब्रेशन है, मुझे साउंड सिस्टम क्या है वो अभी अगले महीने बाद में कभी अपग्रेड कराऊंगा, पर ये है कि मुझे वाइब्रेशन, बाहर की आवाज़ें, ये सबसे मुझे पसंद नहीं चीज़ है। और मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा लगा कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई ने भी आके सबसे पहले बात बोली कि फ्लोरिंग कराना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, है ना, फ्लोरिंग। इन्होंने ही जस्ट पिक्ड अप दिस कार, तो अभी ऑडियो आई नो कि हाँ, इन्होंने देखा कि स्पीकर्स अभी बहुत अच्छे नहीं लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जो स्टार्ट होती है ना, अगेन दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट, यू शुड प्लान योर सेटअप। मे बी इन्होंने भी 6 महीने का एक प्लान लिया होगा, सबसे पहले मैं प्रॉपरली एक डैम्पिंग करा लूँ, विच इज एन एक्सपेंस ऑफ अराउंड 15-20,000, उसके बाद मैं 20-30,000 में अपने स्पीकर्स अपग्रेड कराऊँ, धीरे धीरे एम्प कराऊँ। दिस इज हाउ यू शुड प्रोग्रेस इफ यू हैव अ लिमिटेड बजट। आपका बजट अगर आप स्प्रेड कर सकते हो, ऑब्वियसली पहले एक ही बारी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टेजेस में प्लान कर सकते हो, दिस इज हाउ यू शुड प्लान। तो भाई थम्स अप करो, थम्स अप कर दो, बढ़िया। ओके गाइस, सो इट्स टाइम कि वीडियो को एंड कर दिया जाए। आई होप कि आप लोगों ने जो आउटपुट सुना है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को आउटपुट जो है वो एनसीएस के गाने में नहीं सुनना है, तो आप लोग जा सकते हैं इंस्टाग्राम में, वहां पर आपने मुसाफिर 7811 लिखना है और वहां पर आपको पंजाबी गाने में इसका आउटपुट सुनने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग अपने सर से जानना चाहेंगे, सर सबसे पहली चीज, आउटपुट का जो रिस्पांस है कैसा लगा? आउटपुट का रिस्पांस वाज वेरी गुड, ठीक है। द सेटिंग डन बाय द आपकी टीम के द्वारा जो सेटिंग की गई, बिल्कुल अच्छी है, ठीक है सर। एंड क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ कोर्स इट्स एक्सीलेंट। एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करके बताता हूँ। अब देखो भाई, ये वाली जो आपकी हेड यूनिट थी, इट वाज एंड्रॉइड यूनिट, और ये बहुत बेसिक यूनिट है, जिसकी वजह से दिक्कत क्या फेस होती है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। 10 में, यानी कि अगर हमें कम आवाज में गाना सुनना है तो दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है सर कि नहीं होती है? बिल्कुल। और ये मैंने आपको बोला कि अगर आपकी हेड यूनिट पायनियर की होती या फिर एंड्रॉइड में ही कोई अपग्रेडेड या फिर अच्छे बैंड वाली होती या डीएसपी प्रो वाली होती तो कहीं ना कहीं बेटर होता। हाँ, मतलब एंड्रॉइड पाजी वैरायटीज आते हैं, लेकिन पाजी तो मेरे को बोलते कि तुम मत लगाना। नहीं, मैं एंड्रॉइड, मैंने आते ही सर से भी कहा था कि सर एंड्रॉइड रखा है तो वो 100% जो क्वालिटी आनी चाहिए नहीं आ सकती। तो और जब सेटअप हो गया तो 10-15 मिनट तक सर लगे रहे अपनी सेटिंग एडजस्ट करने में, फिर हमने ट्यूनिंग में थोड़ा और हेल्प किया, तो जो इस सेटअप से हम बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे हमने एक्सट्रैक्ट किया, इट वॉज साउंडिंग वेरी गुड। लेकिन हमें पता है क्योंकि हम इस स्पीकर्स के और ये मतलब जितनी गाड़ी हमने अभी सुनी, जो आपने आउटपुट सुना, इट कुड बी बेटर, लाइक 60% और बेटर है, ये मैं अपने कमिटमेंट से कह रहा हूँ, क्योंकि इस वाले सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं था भाई, लिटरली कुछ नहीं है, मतलब इक्वलाइजर एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन स्टिल जितनी जस्टिफिकेशन हम लोग कर सकते थे सिस्टम के साथ वो कर दिया। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन सर को मैं रिकमेंड करूंगा, सर प्लीज गेट अ गुड पायनियर हेड यूनिट, अगर आप एंड्रॉइड भी लगाना चाहते हो तो गेट अ गुड एंड्रॉइड यूनिट, मतलब वो ऐसा हो कि एटलीस्ट उसके अंदर आपके जो इक्वलाइजर है वो 16 से 18 इक्वलाइजर हो। क्यों पाजी? हाँ, मतलब कि और
जी मोर देन इक्वलाइजर, जो इक्वलाइजर की एफिशिएंसी होती है। बिल्कुल देखिए, जब पाइनियर या किसी अच्छे सीरो के साथ वर्क करते हैं तो अगर हम 80 हर्ट्ज़ या 100 हर्ट्ज़ की टोन पे वर्क कर रहे होते हैं तो वो इफेक्ट करती है। इसमें क्या हो रहा था कि जब हम जो बेस की फ्रीक्वेंसीज पे भी अगर वर्क कर रहे हैं तो वोकल्स भी वो हो रहे थे, इफेक्ट हो रहा था। हाँ, तो इसके इंटरलिंक्ड इक्वलाइजर होते हैं जो कि अच्छी साउंड के लिए इफेक्टिव नहीं होते। तो आगे बस वो सजेशन, अगर आप अच्छा साउंड चाहते हो तो गो फॉर गुड ब्रांडेड हेड यूनिट। अगर आपको लुक्स का ही मैटर करता है और साउंड मैटर नहीं करती है, फिर आप कोई भी हेड यूनिट लगा सकते हो। तो पाजी ने बोल दिया, ठीक है। इसी के साथ में सर, जो आपने पैसे स्पेंड किए वो आप बता दीजिए। मैंने क्लोज टू 75,000 स्पेंड किया है। 75,000 रुपीज सर ने स्पेंड किया। हमने सर को बोलने के लिए नहीं बोला, सर हुए ना थे स्पेंड। बिल्कुल, ठीक है सर, भाई ये चीज बताना बहुत जरूरी है, लोग बोलेंगे कि आपने 75 बोल दिया। टोटल इक्विपमेंट लिस्ट में ऑप्शन में बता दूं कि जो जो हमने उसमें किया, उसमें दो सेट मर्करी के कंपोनेंट्स लगे हैं आगे भाई, दो सेट में ये थोड़ा समझाओ कि आगे दो कंपोनेंट लगे पीछे, क्योंकि लोग इसको भी मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस दो सेट का मतलब है कि जब मैं एक सेट बात करता हूं तो उसमें दो स्पीकर्स मिड बेस और दो ट्वीटर्स आते हैं। तो इस गाड़ी में चार ट्वीटर्स लगे हैं, चार स्पीकर्स लगे हैं, चार क्रॉसओवर्स लगे हैं, ठीक है। एक फोर चैनल एम्पलीफायर लगा है। जो मोनो एम्प है अभी हमने इनका पुराना वाला रिटेन किया है। दोनों एम्प की कंप्लीट रीवायरिंग हुई है, पूरी गाड़ी की डैम्पिंग हुई है इंक्लूडिंग फ्लोर एंड कंप्लीट इंसुलेशन, कन्वर्टर्स भी इसके चेंज हुए हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस व्हिच हैज गॉन इनटू दिस कार। और एंड्रॉइड स्टीरियो के साथ सबसे पहले चीज बताया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग करते हैं, हम लोग इसमें हाई लो कन्वर्टर डालते हैं। हाँ, नॉर्मली देखो इनमें प्री आउट्स दिए होते हैं, लेकिन इनके प्री आउट्स की जो वोल्टेज आउटपुट होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हमने डायरेक्ट भी वर्क करने की कोशिश करी लेकिन नहीं होता, इसलिए हम कन्वर्टर या जो आज हमने वीडियो में दिखाए थे जो हम पावर्ड कन्वर्टर्स ला रहे हैं या डीएसपी ला रहे हैं, उसको एनहांस करने के लिए लिए होता है। लेकिन अगर ये सब तामझाम आप नहीं चाहते हैं तो एक सोनी पाइनियर जेवीसी कोई भी अच्छा जापानीज कंपनी का हेड यूनिट लगा दो, आपको कोई डीएसपी की जरूरत नहीं इसके बाद, ठीक है। सो विद दिस सेट गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दी, अगेन जो प्रोडक्ट है वो काफी मार्केट में ट्रेंडिंग है, मर्क्यूरी इज डूइंग रियली वेल। सबसे बड़ी चीज पाजी इसके बाद जो बात आती है, हमारा सेटअप कब तैयार हो रहा है, थोड़ा कमिटमेंट दो, क्योंकि मैंने बोला था कि जैन में हम लोग अपना नया सेटअप तैयार कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड वीक में इनका ऑफ फरवरी अब हम प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले हुआ था, थोड़ा हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं और वी आर ब्रिंगिंग समथिंग रियली गुड। हाँ, अब कुछ नई चीजें ला रहे हैं क्योंकि इस ईयर के हमारे कुछ स्पेशल प्लान है। ऑडियो का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है फिनोमिनल है, सर जैसे जो ऑडियो एंथुजियास्ट है, सर भी कह रहे थे आज सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे कि कोई एज नहीं होती। हाँ, लाउडनेस का क्राइटेरिया लेकिन म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक हर किसी को चाहिए, तो उस लिहाज से वी आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। और आज मुसाफिर भाई ने बहुत टाइम बाद 5 घंटे पूरे शोरूम पे स्पेंड करके फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक आज हमारी प्रॉपर वीडियो कवर करी, तो मैं इनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा, नहीं तो ये 2 घंटे से ज्यादा हमारे शोरूम पे टाइम नहीं स्पेंड करते थे। भाई देखो, जैसा आप लोगों को हम लोग जो समझा सकते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगेन आप में से कोई भी क्वालिटी ऑडियो ढूंढ रहा है, अगेन ऑडियो बहुत सारे लोग करते हैं एंड आई गेस अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग क्वालिटी ऑडियो वायरिंग कंपोनेंट्स यू वांट अ गुड एम्पलीफायर जो कि आपको समझ आता है, तो आप लोगों ने कहां पर आना पाजी? मोटर कॉन्सेप्ट MOTORCONCEPT, हमारी जो लोकेशन इंस्टाग्राम वाले बता दिया इंस्टाग्राम वाले बता, कीर्ति नगर में है, 330 मेट्रोपिलर के ऑपोजिट, आप गूगल पे डालो आप इजीली लोकेट कर जाओगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भैया का लिंक जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ में गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना है कि नहीं करना है? लाइक शेयर कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है? ऑलरेडी नहीं, सर ने तो कर दिया, आप लोगों ने भी सब्सक्राइब करना है। और एक चीज मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, सर को जो मतलब हमने नॉलेज शेयर करी, हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो एजुकेट हो रही है, है ना सर? एजुकेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। चलो भाई ठीक है, सो ये सब आपने कर लिया तो इंस्टाग्राम में मुसाफिर को फॉलो करना है, लिखो MUSAFIR7011 यानी कि मुसाफिर 7811, मोटर कंसोल भैया को फॉलो करना है तो MOTORCONCEPT, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर आप लोगों को हमारी संडे ड्राइव का पार्ट बनना है, आपने लिखना है मुसाफिर स्क्वाड और आप लोग एंजॉयमेंट करोगे। सो विद दिस सेट गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। सर वीडियो एंड करने से पहले लास्ट वाला अपना सैल्यूट करना होता है हम लोगों ने, एक बार पूरी ऑडियंस को, तो एक बार सैल्यूट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एवर कर दो सर, बाय बाय।